हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी सीएससी में डिजिपे लाइट के आईडी कैसे मिलेगा, कैसे आपकी पासवर्ड रिसेट कर सकते हो, इसका यूजेस क्या है आपकी, इसकी पूरी सर्विस के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है गूगल में। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे डिजिपे की आपकी साइट पे जाके आपको इसे लॉग इन कर लेना है। जैसे तो सबसे पहले ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है डिजिपे एजेंट डिजिपे लाइट लॉग इन। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक कर देना। आपको साइट पे ले जाएगा। करने के बाद आपको आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, अगर पहली बार यूज कर रहे हो, आपको न्यू आईडी बनवाना है डिजिपे लाइट की, तो आपकी इस वीडियो की लास्ट में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ अपना आईडी डाल के। तो इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन हो गया डीजीपी लाइट के लिए। आप देख सकते हो डीजीपी लाइट, तो ऐसे आपकी डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। तो आपके सारे डिटेल्स बताऊंगा इसके बारे में, इसके यूजेस क्या क्या है, आप कैसे कैश आउट कर सकते हो, कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे आप विड्रॉ कर सकते हो AEPS के थ्रू। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हो, यहाँ पे वेलकम टू आपकी जो CSC ID है और आपकी जो डिजिपे लाइट की जो आईडी होगा वो आपके इधर शो कर दिया जाएगा। उसका डैशबोर्ड पर आप देख सकते हो, आपके डैशबोर्ड में अभी सर्विसेज है, यहाँ पे मनी ट्रांसफर की है, आपकी AEPS की सिस्टम है। ठीक है, आपको माइक्रो ATM की है। जनरल रिपोर्ट में आपकी जो भी वॉलेट ट्रांसफर रिपोर्ट वगैरह होता है इस पर आपको शो कर दिया जाता है। उसके टॉपअप के लिए होता है, जैसे वॉलेट 1 और वॉलेट 2, दो वॉलेट यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे टॉपअप अगर वॉलेट 2 से आपको वॉलेट 1 में लाना है तो रिक्वेस्ट के लिए कैसे करना है आपको, जैसे आप देख सकते हो तो वॉलेट 2 में मेरे इसमें 84 रुपीज़ है, वॉलेट 1 में 20 रुपीज़ है। तो आपको कैसे करना है, आपको अगर जैसे टॉपअप करना चाहते हो तो टॉपअप में आपको रिक्वेस्ट पे आके आपको UPI आप देख सकते हो कैश आउट पे जाना है आपको। ठीक है, कैश आउट पे आके वॉलेट ट्रांसफर के लिए आपको क्या यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो वॉलेट ट्रांसफर। वॉलेट ट्रांसफर के बाद आपको वॉलेट 1 में ट्रांसफर करने के लिए आपके यहाँ पे अमाउंट डाल देना। मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं डालूंगा, मैं 20 कर दिया। करने के बाद आप वॉलेट 2 से वॉलेट 1 पे आ जाएगा। तो मैं जैसे ट्रांसफर करूँगा आप देख सकते हो इस पर सक्सेसफुल होकर वॉलेट 1 पे पैसे आ जाए। देख सकते हो आप वॉलेट 2 वॉलेट 3 ट्रांसफर इज सक्सेसफुल। आप देख सकते हो यहाँ पे 20 था तो अभी के टाइम पे 30 हो गया है। तो आपको अगर जैसे APS सिस्टम को यूज़ करना है तो APS सिस्टम सबसे पहले हो, तो APS सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको बायोमेट्रिक डिवाइस आपके इसमें लगे होने चाहिए आपके सिस्टम से। मेरे इस पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो तो कनेक्ट है, दिखा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो अपना यहाँ पे जो भी आपकी जिनके नाम पे होगा ये आपकी DGPA ID, तो सबसे पहला एक वन टाइम पूरे डे पे वन टाइम इनका एक बार फिंगर कैप्चर होना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिंगर कैप्चर कर देता हूँ। टाइम आउट होकर मैं दोबारा कर देता हूँ। देखिए कैप्चर सक्सेसफुल। करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद देख सकते हो यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं आपको। इस चीज़ के लिए मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ कि डिजिपे लाइट को आपको कभी भी इसे चलाने के लिए या तो आप जब को आईडी मिल जाते हैं आप बिना KYC के आप इसे एक्टिवेट नहीं कर सकते, इसे चलेगा नहीं। आपको ओपन तो हो जाएगा आपकी आईडी पर, ये चलेगा नहीं। तो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि KYC कहाँ से होगा। KYC के लिए आपको सबसे नीचे आ जाना है। देख सकते हो मेरा KYC अभी अप्रूव्ड है,
तो केवाईसी के लिए आपको जिस टाइम आपको नया आईडी मिलेगा, आईडी मिलने के बाद सबसे पहले तो आपको केवाईसी पे क्लिक करके आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को सबसे पहले आपको सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी फ़ोटो, एक लाइव फ़ोटो, आपकी जो दुकान के साथ में एक फ़ोटो, इन सब चीज़ों की डिटेल्स दे के आपको एक केवाईसी करना है, जो आपकी एक दिन में हो जाता है अप्रूव। जैसे आज आपने सबमिट किया तो कल सुबह तक आपकी अप्रूवल मिल जाएगा। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आपको कैश विड्रॉ करना है, EAPS से कैसे आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। तो कैश विड्रॉ के लिए आप देख सकते हो कैश विड्रॉ, आपकी बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। अगर किसी कोई कस्टमर आता है मिनी स्टेटमेंट के लिए आपको, या तो बैलेंस इंक्वायरी के लिए या तो कैश विड्रॉ के लिए, तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, तो कैश विड्रॉ करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं आपके अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कस्टमर के यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपके कस्टमर के आधार नंबर डालना है यहाँ पे, आपके उसके बाद आपको इस पे से सिलेक्ट करना है कि कौन से बैंक में से है आपके। अगर SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या तो कैनरा बैंक है तो आप फ्रंट पे दिख रहा है आपको। अगर आदर्श बैंक ही होगा तो आदर्श पे क्लिक करके आपको ऐसे बैंक नेम टाइप करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा आपकी SBI की है तो मैं SBI पे क्लिक कर रहने देता हूँ। उसके बाद आदर्श पे, जैसे कि आप आदर्श पे अमाउंट पर 500, 1000, आपकी 2000, आपकी 500, आप जैसे ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। मैं अभी ज़्यादा नहीं, मैं आपको कैसे दिखाने के लिए 100 रुपीज़ का ऐड करके दिखाता हूँ। 100 रुपीज़ प्लस 100 करने के बाद मैं इसे सबमिट कर दूंगा। चेकिंग डिवाइस पर क्लिक करके आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। कोटक, कोटक महिंद्रा में 100 रुपीज़ से रहने देता हूँ। करने के बाद आपको आपको यहाँ पे कैप्चर कर लेना है एक बार कस्टमर की फिंगर को। आप देख सकते हो कैप्चर सक्सेसफुल। देन आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपकी फैक्टिंग स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे। अगर सक्सेसफुल होता है तो सक्सेसफुल देख सकते हैं यहाँ पे, सक्सेसफुल की मैसेज आ गया। अगर आपकी सक्सेसफुल नहीं है तो यहाँ पे फेल्ड आ जाएगा। तो उसके बाद इसे डाउनलोड करके कस्टमर को आप दे सकते हो रिसीविंग। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस पर क्लिक कर दो तो आप पर SMS के आपकी 2.5 पैसे आपकी वॉलेट से कट जाएगा। तो आपको इसे नॉर्मली प्रिंट निकाल के या तो स्क्रीनशॉट देके आप कस्टमर को दे सकते हो, इसे कैंसिल कर दीजिए। ये हो गया आपकी कैसे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो इसमें से। तो APS सिस्टम के लिए यहाँ पे हो गया, जैसे आप आधार कार्ड, अपने मोबाइल कस्टमर के मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपकी बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपकी अमाउंट, जो भी आप अमाउंट से यूज़ करना है अमाउंट डाल के कैप्चर करके फिर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी के लिए भी सेम सिस्टम है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको कस्टमर के मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर वही डालना है जो कि बैंक से लिंक हो, और यहाँ पे कस्टमर के आधार नंबर डालना है। उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है। मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कैप्चर ले लेना है, फिंगर के कस्टमर के फिंगर के कैप्चर लेना है, कैप्चर सक्सेसफुल। अब देख सकते हो स्कैन सक्सेसफुल आपकी। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट आपके फैक्टिंग स्टेटस आपको यहाँ पे शो कर देगा, देख सकते हो बैलेंस इंक्वायरी स्टेटस सक्सेसफुल। देन आपकी ये पूरा ट्रांजेक्शन दिखा देगा बैलेंस इंक्वायरी, अब नीचे आपकी बैलेंस भी शो कर देगा। तो ऐसे आप अपने कस्टमर की बैंक अकाउंट उसे चेक करके बता सकते हो। उसके बाद आपके मिनी स्टेटमेंट के लिए, मिनी स्टेटमेंट के लिए बहुत से लोग आते हैं जिनका जिनके पास मैसेज नहीं आता, तो वो मिनी स्टेटमेंट के लिए आते हैं। मिनी स्टेटमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे कस्टमर की मोबाइल नंबर डालना है, देन आपको यहाँ पे कस्टमर की आधार नंबर डालना है, फिर कस्टमर की जो भी बैंक होगा आपको उस बैंक के नेम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, करके आपको कैप्चर करना है फिंगर को, कस्टमर की फिंगर को कैप्चर करना है।
आप देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे। देन आपको सबमिट कर देना है, देन कस्टमर की जो भी मिनी स्टेटमेंट की लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन को यहाँ पे शो कर देता है, को दिखाता हूँ। कैप्चर ले लेता हूँ एक बार, कैप्चर सक्सेसफुल, देन आपको सबमिट कर देना है। आप देख सकते हो मिनी स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट डिटेल्स आपकी डेट दिखा देगा, टाइमिंग, डेट टाइमिंग, आपके बैंक नेम, आधार कार्ड की 4 नंबर लास्ट के दिखाता है आपको, ठीक है। विड्रॉ डेबिट जो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी पूरा ट्रांजेक्शन आपको शो यहाँ पे दिखा देगा कि जो भी आपकी लास्ट जो मिनी स्टेटमेंट शो करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ट्रांजेक्शन आपके शो करता है करके आपको यहाँ पे ऐसे मिनी स्टेटमेंट निकाल के दे देगा। आप यहाँ से अपना डाउनलोड करके अपना कस्टमर को सेंड कर सकते हो। ये हो गया आपकी सबके कैसे आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैसे आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, कैसे आप मिनी स्टेटमेंट निकाल के दे सकते हो अपने कस्टमर को। उसके माइक्रो एटीएम, माइक्रो एटीएम हालांकि अपने पास है नहीं तो आपको मैं दिखा नहीं सकता। माइक्रो एटीएम के लिए आपको पहले तो अप्लाई करना पड़ता है, इनको पैसे से खरीद कर फिर 2,500 के आसपास कुछ लेता है, पेमेंट करके आपको लेना होता है। देन आपके मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर के लिए आपको सेम प्रोसेस है। आपके मनी ट्रांसफर के लिए आपको कस्टमर की यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, डालने के बाद आप देख सकते हो नेम आ जाएगा आपको, ट्रांसफर आपको फिर ट्रांसफर पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको आपकी जो भी बेनिफिशियल होगा, अगर ओल्ड है तो आपके इस पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं है, अगर न्यू ऐड करना तो आपको न्यू अपडेट कस्टमर नेम आपको ये सब क्लिक करके देन आपको यहाँ पे सब कुछ आपको नया तरीके से ऐड करके, जैसे आपकी अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, कस्टमर आपकी जो नेम है, उस मोबाइल नंबर, ठीक है, उसका तो आपकी वेरीफाई कर देना है आपको इसे। वेरीफाई हो जाने के बाद आप देख सकते हो आपकी वेरीफाई हो गया, कभी भी आप इसे आप पेमेंट कर सकते हो इस नेम से। तो आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है, डालने के बाद आपको IMPS कर देना है। अगर IMPS कर तो आपके तुरंत हो जाता है। अगर आप किसी 25,000 के ऊपर के ट्रांजेक्शन अमाउंट को ट्रांसफ़र करते हो तो आपके 5 रुपये डेबिट होता है आपके अकाउंट से। अगर आप NEFT करते हो तो कोई पैसा चार्जेस नहीं करते, पर आपको एक दिन से ज़्यादा टाइम लग जाता है या तो सेम डे पे भी हो जाता है। पर NEFT को आपको पता है कि इसका कोई टाइमिंग का फिक्स नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। आपको जो भी करना है आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपकी NEFT तो NEFT का सिलेक्ट कर लेना है, IMPS तो IMPS सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको पे करना है। तो ऐसे आप अपने कस्टमर को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बाकी आपको आपका अगर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकालना है, जैसे आप देख सकते हो DMT, UPI, अगर आपकी UPI का भी है, UPI मेरे इस पर भी है नहीं, जिस टाइम आएगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। आपकी DMT जो कि आपकी जो कार्ड मशीन होता है उसका है, आपकी कमीशन कितना प्राप्त हो, आपके यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके फिर उस पर आप शो कर सकते हो कितना कमीशन मिला पर डे, पे महीने की, जो अपने डेट के हिसाब से आपको शो कर देगा। POS की आपके वॉलेट पे कितना बैलेंस है वो शो कर देता है आपको, जैसे वॉलेट 1, वॉलेट 2 ये शो कर देता है। फिर कैश आउट पे आपने कितना कैश आउट किया है, APS कितना किया है आपने, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन को शो कर देगा। तो ये था आज DigiPay Lite की पूरा डिटेल्स। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा, आप कुछ समझ पाए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।